भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मैच कब और कहां खेला जाएगा, बीसीसीआई ने यह मुकाबला ऐलान कर दिया है। आइए हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल का चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होने वाली है और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी वनडे में होने वाली है, तो ऐसे में भारत इस तरफ मजबूत टीम नज़र आती है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला मार्च में खेला जाएगा, तो इस बीच भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली, आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली एनपीसीबी को, तो ऐसे में भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान जाती है तो कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाएगी, तो आइए हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो आपको पहले नंबर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिर दो नंबर की बात करें, दो नंबर पर आपको सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। तीन नंबर पर आपको ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देंगे। चार नंबर की बात करें तो चार नंबर पर आपको शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई देंगे। पाँच नंबर की बात करें तो पाँच नंबर पर आपको हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। छः नंबर पर आपको अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे। सात नंबर पर आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं भारत की तरफ से चार गेंदबाज भी चुने गए हैं, जिसमें से जसप्रीत बुमराह भी आपको खेलते नजर आए देंगे। जसप्रीत बुमराह के बाद अर्शदीप सिंह के बाद मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद सिराज के बाद आपको मुकेश कुमार भी खेलते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर, सईद अयूब चौथे नंबर पर, फाखर जमान पाँचवें नंबर पर, इफ्तिखार अहमद छठे नंबर पर, इमाद वसीम सातवें नंबर पर, शादाब खान खेलते हुए दिखाई देंगे। आठवें नंबर की बात करें तो साहिसा अफरीदी खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर पर मोहम्मद आमिर, दसवें नंबर पर हरीश रऊफ और ग्यारहवें नंबर पर नसीम शाह खेलते हुए दिखाई देंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। 8 टीमें मैं आपको बताते हैं, 8 टीमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में दो टीम बढ़ती रहेंगी, जिसमें से एक ही बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान रहेंगी। और ग्रुप बी की बात करें तो आपको अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम खेलते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान और भारत की मैच की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच मैच 1 मार्च को लाहौर